महानगर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी के विजन पांडियन और एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने शुक्रवार को शाहपुर थाना क्षेत्र में बनाए गए हॉटस्पॉट आवास विकास कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी तथा धर्मपुर कॉलोनी सहित अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण किया और लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, इसलिए जिस क्षेत्र में हॉटस्पॉट बनाए गए हैं उस क्षेत्र के लोग 14 दिन तक घरों के भीतर ही रहें। इस मौके पर एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, में जो मतलब आशीष चार्ल्स में मतलब स्टाफ नर्स के नर्सिंग ऑफिसर के पद पे कर रहे थे, उसको भी सिम्टम उसी एक दिन आगे पीछे आया है। हाँ, एक दिन आगे पीछे आया है। सांस लेने में सर्दी जुकाम कोई बीमारी लक्षण दिखता है तो तुरंत 108 एम्बुलेंस को फोन लगा दीजिए। घर के अंदर ही रहिए, घर से बाहर मत निकालिए। अब कोरोना हॉटस्पॉट में है, घर के अंदर ही रहिए, मास्क पहनिए, बिना मास्क के बाहर मत आइए। उसका तो कुछ समझ में आता हो सकता है, आने जाने से आया होगा। आप लोग कहीं गए नहीं, वो भी नहीं गए हैं 4 महीने से। जी कहीं कोई नहीं गया सर, से बाहर नहीं निकलना है। आपके क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज निकला है, कोरोना वायरस से स्ट्रेन कहीं यही है, 14 दिन कतई घर से बाहर नहीं निकलना है। कोरोना का कोई है जरा बुला दो, किसी को बुला दो, बोलो डीएम साहब आए, डीएम साहब आए हैं, बोलो मिलने के लिए, बुलाएं किसी को। आशीष सर अलेक्जेंडर परिवार से कोई है तो जरा आ जाए। आशीष विनय सुशील तीन परिवार है ना, तीन मित्र। आशीष विनय सुशील, आशीष विनय सुशील। हाँ जी भाई, सर अच्छा आपका चेक हो गया। अच्छा कैसे अलेक्जेंडर के कैसे हो गया? में काम करते थे, रेलवे में वर्कशॉप में। आप कहाँ काम करते थे? उनके परिवार में और 2-3 लोग आया है ना। हाँ, आपका बड़ा भाई भी है कोई? उनके छोटे भाई। अच्छा, क्या नाम है उनका? वो कहाँ काम करता है? में क्या था? बीआरडी में कोई है? बीआरडी में माय चाची नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, उनको भी हुआ है कोरोना? तो फिर कैसे आया है आशीष, कैसे पॉजिटिव हुआ? फादर आपका फादर भी कैसे हुआ है ना समवेयर? आपका पापा का इंफेक्शन हुआ है, वो सोर सम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। चाचा का तो पहले नेगेटिव था, वो वहाँ से हॉस्पिटल गए, 21 को एडमिट हुए, घर पे यहाँ बेहोश हो गए थे, उसके बाद वो ऑफिस। कोरोना का कोई इलाज नहीं है, किसी का भी लक्षण लगता है, सांस लेने में दिक्कत हो, बुखार है और कोई परेशानी है तो 108 एम्बुलेंस को तुरंत लगाइए, किसी भी सूरत से घर से बाहर मत निकालिए। ये मकान कोई बात नहीं।
चार लोग आएंगे आपको ठंडा दे देंगे। आज डीएम सर कप्तान साहब सर के साथ हॉटस्पॉट थाना शाहपुर के अंतर्गत आवास विकास कॉलोनी धर्मपुर और कौआबाग तीन हॉटस्पॉट का निरीक्षण किया गया। उसमें डीएम सर के साथ कप्तान सर के साथ हमने पैदल मार्च किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए कि हॉटस्पॉट में क्या क्या आपको कार्रवाई करनी है, किन किन चीज़ों से बचना है और कैसे कैसे कॉन्टैक्ट में आए हुए सभी व्यक्तियों का सैंपल लेकर उनके साथ अगर जो भी अगर पॉजिटिव आता है तो उसको कैसे हम क्वारंटाइन कराएंगे, तो इस सब के बारे में बताया गया आज।